नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रियों में। देखिए, जब सूरज उगता है तो हर कोई उसे सलाम करता है, लेकिन जब डूबता है तो हर कोई नजर फेर लेता है। लेकिन उस सूरज को एक रात का इंतजार करना होता है फिर से उगने के लिए। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का नजर आता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जी हाँ, बात कांग्रेस की होगी क्योंकि प्रियंका गांधी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी अब रैलियों की बौछार लगाने वाली है और सबसे पहली रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। जी हाँ, उसके बाद गोरखपुर का भी रुख करेंगी और फिर लखनऊ में महारैली करके इस पूरी रैलियों का समापन किया जाएगा। यानी प्रियंका गांधी ने पूरे तौर पर अब बागडोर संभाल ली है उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर। जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसको लेकर प्रियंका गांधी हालांकि पहले से ही सक्रिय हैं, लेकिन अब ज्यादा हलचल देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि क्या प्रियंका गांधी सीधे मोदी और योगी को टक्कर देने की तैयारी में है और क्या ये तैयारी उनकी सफल रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आपको बता दूं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत ही खस्ता हाल में है, क्योंकि बीते कई सालों से, देखिए कई साल कहना गलत होगा क्योंकि कई दशकों की ये बात है, कई दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ना के बराबर है। अमेठी, जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, अब अमेठी भी उनका नहीं रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक भी सीट नहीं है तो कैसे 403 विधानसभा सीटें जो हैं उनमें से कुछ सीट लाकर जीत दर्ज कांग्रेस कराएगी। तैयारी पूरी है, दमखम भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन क्या जिस तरह से अन्य दल जमीनी स्तर पर लोगों के बीच पहुंचकर कामकाज कर रहे हैं, लोगों के बीच क्या कुछ चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर सिर्फ परिवार से मिलने की कोशिश हो रही है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कांग्रेस के सामने खड़े हैं कि क्या कांग्रेस ऐसा कर रही है। अगर जवाब देखिए, मैं तो नहीं दे सकती, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर मैं देखूं तो सोशल मीडिया पर जो खंगाला गया है, जो एनालिस किया गया है, उसमें ये देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस धरातल पर कहीं ना कहीं शून्य नजर आती है। बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे इन शब्दों से वाकिफ नहीं होंगे या उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सोशल मीडिया पर जो चीजें सामने आती हैं उसके अंदाज से मैं आपको बता रही हूं। क्योंकि बीते कई दशकों से कांग्रेस का यूपी की जनता से कोई लेना देना नहीं रहा है। हालांकि चुनाव में जरूर कांग्रेस थोड़ी सी सक्रिय नजर आती है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली जाती है। प्रियंका गांधी जब से यूपी प्रभारी बनी है तब से वो सक्रिय नजर आती हैं, ट्वीट भी लगातार करती हैं और मुद्दे को लेकर अगर कोई भी बड़ी घटना होती है वो परिवार से मिलने भी जाती हैं, लेकिन क्या इतना भर काफी है 2022 का ताज अपने सर रखने को लेकर? नहीं, इतना काफी नहीं है। आपको जनता के बीच जाना होगा, जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनको जानने की कोशिश करनी होगी, उनको धार देने की कोशिश करनी होगी। बीजेपी क्या कर रही है, सपा क्या करना चाहती है, सपा ने क्या किया है, बसपा ने क्या किया है और बसपा किस अब राह पर चलती हुई नजर आ रही है, इस पर कांग्रेस को नजर रखनी होगी। अगर कांग्रेस उस पर नजर रखती है तो ही वो 2022 के चुनाव में बहुत कुछ कर सकती है, अन्यथा फिर हाल क्या होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से अब प्रियंका गांधी पूरी तरह से सक्रिय हैं, उसे ये जरूर कहा जा सकता है कि वाकई बहुत कुछ बदल रहा है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में और बहुत कुछ बदल भी सकता है। प्रियंका गांधी बहुत कुछ बदल सकती हैं। महिलाओं के मुद्दे को लेकर लगातार वो आवाज उठाती हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर लगातार आवाज उठाती हैं। वो जाती हैं, चाहे वो हाथरस जाएं या फिर सोनभद्र जाएं, वो पूरी कोशिश करती हैं कि परिवार के बीच जाएं, परिवार के बीच, क्योंकि लोगों का ये मानना है, देखिए चाहे हम कुछ भी कह लें लेकिन लोग अब भी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो प्रियंका गांधी को जब भी देखते हैं तो इंदिरा गांधी की छवि उनमें लोगों को नजर आती है और यही बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर कांग्रेस दाव खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद ये दाव सही पड़ नहीं रहे हैं। और इसी वजह से जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था उत्तर पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जो हालत थी कांग्रेस की वो खस्ता हाल थी,
वो सही नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उस समय यह कहा था कि मैं यहां पर 2022 की तैयारी के लिए आई हूं, ना कि 2019 की तैयारी के लिए। तो 2022 भी अब बेहद नजदीक है और प्रियंका गांधी भी सक्रिय हैं। 10 अक्टूबर से रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा, आज 1 तारीख है, तैयारियां तो अभी से शुरू हो गई हैं। तो रैलियां बहुत सारी होंगी और सबसे पहली रैली वाराणसी में होगी। देखिए, संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर टक्कर देंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहां पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं। कीर्तिनिधि पांडे सपा प्रवक्ता हैं, वैभव अग्रवाल जी नेता बीजेपी से हैं, और अजय चंद चौबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, लेकिन सबसे पहला सवाल देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा वैभव अग्रवाल जी से होगा, क्योंकि वही सत्ता में है। वैभव जी, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनावी आगाज करने जा रही है, बीजेपी क्या कहेगी? देखिए, ऐसा है कि मतलब मेरे को हंसने का भी दिल करता है। नहीं, इसमें हास्यास्पद तो कुछ नहीं है वैभव जी? हास्यास्पद नहीं है, ये तो वही बात हो गई ना कि जंगल में मैं जाऊं और मैं जंगल में आवाज लगाऊं, दहाड़ लगाऊं, और मैं कौन, मैं तो बिल्ली हूँ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, शेर में दहाड़ कौन लगाता है? जंगल शेर लगाता है या बिल्ली लगाती है? दहाड़ तो ममता बनर्जी ने भी लगाई थी, क्या हुआ फिर? वही तो मैं, इसीलिए तो हास्यास्पद है ना। दहाड़ तो अरविंद केजरीवाल ने भी लगाई थी, जमानत जब्त हो गई, क्या हुआ? तभी तो हास्यास्पद है। आप कह रहे हैं हास्यास्पद नहीं है, कैसे हास्यास्पद नहीं है? बिल्कुल हंसने की सभा पे एक महिला कोशिश कर रही है, छोड़ के जा पिछले, रहे पिछले कई दशकों से। वैभव जी, नहीं, हम तुम्हारा रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और है नहीं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को यहाँ बुला लिया कि तुमने नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों परेशान किया। ठीक है, अरे भाई क्या मतलब, मजाक हो रहा है? देखिए, मजाक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनावी दौर है, मजाक तो नहीं है ना। हास्यास्पद बात ही तो है इसमें मैडम, ये तो शतुर्मुर्ख वाली कहानी हो गई ना। कहानियां तो बहुत, कहानियां तो बहुत कुछ निकलती है ना। कहानियां तो पश्चिम बंगाल में भी बहुत कुछ निकल रही थी, लेकिन फिलहाल यूपी की बात हो रही है, आप मुझे बताइए। कोई और शिकारी है तो शतुर्मुर्ख क्या करता है? मिट्टी में अपना सर अंदर कर देता है, बाकी सब ठीक है। ठीक है वैभव जी, मान लिया ये हास्यास्पद है, लेकिन एक महिला कोशिश कर रही है अपनी पार्टी को, पिछले कई दशकों से, पार्टी कहीं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कोशिश कर रही है एक महिला आगे बढ़ाने की, तो इसमें गलत क्या है? जी जी बोलिए, इसमें महिला का कैसे आ गया बीच में? नेत्री है, वो अपने क्षेत्र में काम कर रही है, इसमें क्या, ये महिला वाला एंगल कहां से आ गया बीच में? प्रियंका गांधी एक महिला है, देखिए एंगल महिला का नहीं आ रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी एक महिला है इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, प्रियंका गांधी महिला महिला वाला नहीं है, नेत्री है वो, जैसे हम नेता हैं वैसे वो नेत्री हैं। हाँ। इसमें क्या महिला वाली बात क्या है? और जहाँ जहाँ रिजर्वेशन होनी लेकिन चाहिए, आप इतने तिलमिलाए हुए क्यों है, क्या हो गया ऐसा? नहीं नहीं, मैं तिलमिलाया हुआ नहीं हूँ, मैं हास्यास्पद, आपने मेरे को कटाक्ष करने की कोशिश करी कि इसमें हास्यास्पद क्या है? क्योंकि नहीं है, क्योंकि नहीं है, आपकी इसमें हास्यास्पद है ही नहीं कुछ। वो महिला है, उनका स्वागत है। आजकल महिला तो आप वही बताइए ना, या नेत्री हो, आजकल तो जो तीसरा वर्ग है वो भी आ गया ना। आपसे यही तो मैं पूछ रही हूं, क्या बोलेंगे कि अरे वो तो तीसरा वर्ग है? आपसे मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूं, आपको हास्यास्पद बना रहे हैं ये बोल के, आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, बीजेपी की बौखलाहट क्यों दिखाई दे रही है? आपको तो कांग्रेस से, आपको तो कांग्रेस से डरना भी नहीं चाहिए। तीसरा वर्ग क्यों नहीं बात करते आप? आप महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में जो तीसरा वर्ग है उनके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? कौन सा तीसरा वर्ग? तीसरा वर्ग है, और वो वाराणसी जाएंगे तो प्रियंका गांधी को रास्ता छोड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी क्यों, राहुल गांधी अगली बार वायनाड में, मैं मेरी पार्टी से वायनाड में महिला खड़ा करूंगी, है ना, तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए भाई आप महिला है, मेरी सीट ले लो, आप पहला हक आपका है ना। मैं तिलमिलाया हुआ नहीं हूँ। नहीं तो ये हास्यास्पद क्यों है? आपकी बातों पर हास्यास्पद हो रहा हूँ। हास्यास्पद क्यों है? आप मुझे समझाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। घुमाने की कोशिश कर रहे हैं,
आप मुझे समझाइए कि हास्यास्पद है क्या इसमें। निवेदन है वैभव जी, एंकर की जॉब करें। आप मेरे को मत बताएं कि मैं तिल में लाया। मैं अपनी जॉब ही कर रही हूँ। आपकी बौखलाहट दिख रही है। मैं तो अपनी जॉब ही कर रही हूँ। मेरी बौखलाहट नहीं है। मैं तो अपनी जॉब ही कर रही हूँ। मैं हंस रहा हूँ वैभव जी। आप भी अपनी जॉब कर रहे हैं, मैं भी अपनी जॉब कर रही हूँ। गांधी परिवार के ऊपर मैं गांधी परिवार के ना साथ हूँ, ना बीजेपी के साथ हूँ। जो सरकार काम अच्छा कर रही है मैं उसके साथ हूँ। मैंने तो आपसे कहा नहीं कि आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ही नहीं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप, मैं स्क्रिप्ट आपसे लिखवाऊं? मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि इसमें क्या हास्यास्पद है, आप मुझे ये बताइए। अरे हास्यास्पद तो है ही। अच्छा बताइए, चलिए ठीक है, क्लियर कीजिए। क्या कर लेंगे आप? अपना विजन क्लियर करिए वैभव जी। क्या हुआ था कांग्रेस का? हाँ ठीक है, हाँ तो ऐसे बताइए ना। हास्यास्पद नहीं है क्या? अरे उन इलाकों में जाओ जो पिछड़े इलाके हैं। हाँ। उन इलाकों में जाओ। आप वाराणसी में स्वागत है आपका। ठीक है, प्रियंका गांधी को आप मैसेज भिजवाइएगा, मैं व्यवस्था करवाऊंगा उनकी। ठीक है, मेरे मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बिल लगवाऊंगा उनके साथ कि वो जाके आए जरा जनता के बीच में। अच्छा, आप अपने कार्यकर्ता भेजेंगे प्रियंका गांधी के साथ? स्वागत करवा देंगे। आप बोलो ना, महिला है, महिला जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्यों बोलूं? अच्छा, मैंने एक महिला शब्द बोल दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मेरे को कोई बौखलाहट नहीं है। मैंने मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं तो कह रहा हूँ आप जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस है। आप जाके आओ गुजरात। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये कॉन्फिडेंस है। आप जहाँ जहाँ जाते हो आप अपना मजाक खुद ही स्वयं ही उड़वाते हो। अच्छा, पिछली बार अखिलेश जी इतना अच्छा कर रहे थे इलेक्शन में, राहुल गांधी के चक्कर में आके अखिलेश ने अपना भी बेड़ा गर्क कर लिया। चलिए ठीक है, वो तो हम अभी कीर्ति पांडे से पूछ लेते हैं। पूरी दुनिया हंसी है। वैभव जी भी पूछ लेते हैं। कीर्तनी पांडे जी बताइए, वैभव जी को जवाब दीजिए। देखिए वैभव जी, न जाने क्यों महिला शब्द पे इतना बिखर गए। पता नहीं, मुझे भी अभी समझ में नहीं आया कि एक महिला शब्द पे इतना बिखर गए हैं। महिला है इसमें कोई शक नहीं, और महिला को महिला कहने पे वैभव जी इतना बिखर रहे हैं। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश से गायब है और लगातार प्रियंका गांधी कांग्रेस। लेकिन यहाँ तो वैभव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपना भी मजाक उड़वाया है सपा ने। वैभव जी भी यही कहा ना आपने, अगर मैं सही हूँ। मैं वैभव जी को बताऊं, वैभव जी तमाम प्रदेशों में जो गठबंधन किए उसको ये भूल जाते हैं। इनके यहाँ एक कोई रिफाइनरी मशीन रखे हैं जो इनके पास जाता और राष्ट्रवादी हो जाता है, वो देशभक्त हो जाता है, वो ईमानदार हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। ये महाराष्ट्र में शिवसैनिक के साथ गठबंधन करेंगे, सरकार बनाएंगे तो वो अच्छा। ये पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने चले गए, पीडीपी के साथ सरकार चलाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र रही है? इनको भी सत्ता चाहिए। एन केन प्रकारेन किसी तरह सत्ता चाहिए और किसी के साथ हाथ मिला लेंगे। और जैसे सत्ता से हटे पीडीपी के साथ गठबंधन इनका टूटा, तुरंत पीडीपी आतंकवादी हो गई। जब तक इनके साथ थी तब तक ईमानदार, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, और जैसे गठबंधन टूटा भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी को आतंकवादी बताने लगे, आतंकवादियों की समर्थक बताने लगे। लेकिन जब तक सरकार चलाए तब तक नहीं आवाज उठी। यही हाल शिवसैनिकों के साथ, जब तक सरकार चलाए तब तक शिवसैनिक ईमानदार, देशभक्त, और आज लगातार महाराष्ट्र के अंदर शिवसैनिकों पर सवाल करा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा, ये सब अलग है। कहते कुछ है, करते कुछ है। और ये समाजवादी पार्टी आपको रोकूंगी, चक्कर में परेशान ना हो जाता। रुक जाइए अब, ये अब रुक जाइए वैभव जी, चाल चरित्र बताइए अब। देखिए ऐसा है कि मेरे को महिला होने का कोई महिला शब्द का प्रयोग करने का कोई वो नहीं है। वो मुलायम सिंह यादव, में कीर्ति जी को याद दिला देता हूँ, जब उनके उनके दौरान रेप्स हो रहे थे तो मुलायम सिंह यादव ने ही बोला था, लड़के हैं रेप करते हैं, क्या बोला था? लड़के ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इससे कोई डिनाई नहीं जिंदा जला दिया गया। ये महिलाओं के प्रति आपका वफादारी है, यही चरित्र महिलाओं के साथ। कीर्ति जी रुक जाइए, थम जाइए, थम जाइए। वैभव जी बोल रहा हूँ, हाथरस की घटना भूल गए तो जी, आपको मौका मिलेगा। वैभव जी आप कंप्लीट करिए, फिर मैं कीर्ति पांडे के पास जाऊंगी आपके आपकी अगुवाई में। वैभव जी आदेश करें, कीर्ति जी बड़े हैं मेरे से, करना है? नहीं नहीं आप बोलिए बोलिए। थैंक यू, माननीय दो मिनट दे दे मेरे को, मैं बोल रहा हूँ।
अपना अच्छा वार्तालाप चलेगा, अभी 20 मिनट है डिबेट के। बिल्कुल। और आप, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप बड़े हैं मेरे से, आप जाने जाते हैं अपने शांत स्वभाव के लिए, मेरे को 2 मिनट दे दे। सो ऐसा है कि तो महिला शब्द से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी माँ बहन बेटी भी है, तो मेरे को तो प्रेम है, इज्जत है, और मैं नतमस्तक हूं उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं एक ऐसा रूप है भगवान का, जिसको हम कभी हम जिसकी जिस जिसके ऊपर हम टिप्पणी करके अपने आप को छोटा नहीं बना सकते। सही बात, ठीक है। तो मेरी राजनीतिक इंटरप्रिटेशन जो है ना, आप उसको लिंग पुलिंग के अंदर मत घुसिए। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा आप महिला और मर्द के बीच में डिफरेंस करने की कोशिश मत करिए। वो नेत्री है, हम लोग नेता हैं, हमारे देश का उतना ही प्रेम है, उतना ही स्वभाव है जितना उनका। उनका नहीं है या हमारा नहीं है तो हम दोनों में से कोई गलत, बात उतनी है, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा, आशा है कि आप सबके समझ में आ गया हो। अब जहां तक दूसरी बात है, जहां तक उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस की बात है, देखिए मेरी राजनीतिक सोच ये कहती है कि हमारा यदि किसी के साथ अलायंस होता है तो उस अलायंस में हम लोग सब मिलके काम करते हैं। जहां तक पीडीपी के देश के विरोधी होने का सवाल है, क्योंकि हमने उनसे नाता तोड़ा, हमारी विरोधी जो जो जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे वैभव जी, वही हमने नीति अपनाई वैभव जी, हमने उनसे नाता तोड़ा, जब तक सरकार चल रही थी लेकिन हमने सत्ता का लालच नहीं किया, सरकार में बंधन तोड़कर हमने कोशिश ये करी वैभव जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे, उनको सजा दी जाए, इसके ऊपर उनके ऊपर केस हुआ और केस में सबने देखा, जग जाहिर है, पीडीपी पे जब हमने अलायंस तोड़ा था तो वो सारी डिबेट्स मेरी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑन रिकॉर्ड डिबेट्स हैं, आप कृपया कर वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इसका सत्ता का कोई लोभ नहीं, मेरी एक बात भी सुन लीजिए, अपनी सरकार तोड़ी, एक बहुत छोटी सी बात है, मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं पारुल जी, ठीक है जी। मेरे को क्या है, मेरे को एक्चुअली बीच बीच में टोकने की आदत है नहीं, तो मेरा थॉट टूट जाता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने एक दो पॉइंट उठाए, उनको क्लियरिफाई करना जरूरी था, चलिए ठीक है, ताकि डिबेट आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात आती है, कीर्ति निधि पांडे जी ने बिल्कुल 16% बात कही कि पिछले 2 दशकों में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं दिखी है, चाहे वो कितना ही जोर लगा ले, चाहे वो डंका बजा ले, चाहे वो छत पे खड़े होके चिल्ला ले। हमने स्मृति ईरानी जी ने क्या किया, जो एक इकलौता एक उनके लिए एक छोटी दुनिया थी कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में, वो भी खत्म कर दी। तो सपा ने, मैं इसलिए कटाक्ष किया सपा पे क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है, अखिलेश और हम उम्र है, हम कोशिश ये करते हैं कि जो अखिलेश जी जैसे यंग नेता, मेरे जैसे यंग नेता, कीर्ति जैसे यंग नेता हैं, वो सब मिलकर आगे बढ़े ताकि हमारे देश में और तरक्की करने का मौका लगे। इस बात के बहुत मतलब वैभव जी, वैभव जी इस बात के बहुत अन्यथा मतलब निकाले जा सकते हैं। नहीं निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप जो जो आदमी के लिए हम तारीफ कर सकते हैं उसको कोई दुश्मनी थोड़ी है, मतलब आपके लिए अखिलेश यादव जी काबिल तारीफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग अपने अपने काम करते हैं अपनी राजनीति में, लेकिन अगर अगर उनको मौका मिलता है और जनता उनको स्वीकारती है, यदि देखिए जनता जनार्दन है, हम मैं और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले डिबेट, तो अगर वो जनता के बीच जाएंगे, अपनी राजनीतिक बात रखेंगे, जनता को स्वीकारे हैं, तो आइए ना, स्वागत है आपका, लेकिन राज्य का धर्म निभाना है, राज का धर्म नहीं निभाना, नलके नहीं चुराने, चावर नहीं चुराने, राज्य का धर्म निभाना है, जनता की सेवा करनी है, उस मन भाव से आइए। वो अखिलेश जी क्या, वो भाजपा क्या, सपा क्या, वो कांग्रेस क्या, और वो कोई भी अन्य दल क्या, यही सोच हर नेता की रहे तो क्या हमारा देश जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे और डबल तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल पारुल जी, मैं आपकी काजोल जी, मैं आपकी बात से वाकफियत रखता हूँ, और 16 आने सच बात आपने कही, हम लोगों को देश के बारे में, राज्य के धर्म के बारे में सोचना पड़ेगा, हम राज के धर्म के बारे में नहीं सोच सकते, सत्ता का लोभ अपने को हटाना पड़ेगा मन से, और उत्तर प्रदेश की राजनीति, पिछले 50 साल की राजनीति,
सत्ता के लोभ की ओर इशारा करती है कई अन्य दलों की? लोभ है क्योंकि दिल्ली का रास्ता सीधे यूपी से ही कहते हैं कि जाता है। हो सकता है आपकी बात सच हो सकता है आपकी बात नहीं भी हो। आई कैन नाइदर डिनाई और कमेंट ऑन दैट, बट उत्तर प्रदेश एक इम्पोर्टेंट प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, वहां के लोगों को बहुत सारी तरक्की चाहिए। अभी योगी सरकार ने बहुत तरक्की करी लेकिन अभी बहुत बाकी है। और मैं जनता, आपके चैनल के थ्रू जनता को रिक्वेस्ट करूंगा कि योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट, जिसको बाकी सब नेता बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट, हम सबके बीच जाकर तैयारी से, उनकी भी उम्र है, हम सब हम उम्र है, वो चलता रहे, सरकार की कंटिन्यूटी बनी रहे, तो जनता के ही फायदे में आएगा। केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता की तरक्की चल रही है और मुझे लगता है कि अभी सपा को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि कुछ साल एक बार तरक्की होने दीजिए, आप आइए ना, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीटें आप भी ले लीजिए, आप अपोजिशन में बैठ के हमारे कार्य को कटाक्ष करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़ाई मत करिए, चीटाकशी मत करिए, जो कि होएगा इस इलेक्शन। और लड़ाई है तो वो जनता के लिए होनी चाहिए, जनता के भले के लिए होनी चाहिए, राज्य के धर्म के लिए होनी। चलिए ठीक है वैभव जी, आपके पास वापस लौटूंगी। कीर्ति पांडे जी भी लगातार बहुत देर से चुप बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कीर्ति जी, जिस तरह से अभी वैभव जी ने तमाम बातें कही हैं, देखिए अगर मैं पर्सनली कहूं तो बहुत सही बातें उन्होंने कही हैं। अगर नेता इस तरह के और हो जाएं तो वाकई हमारा देश बहुत तेजी के साथ तरक्की करेगा, जनता के हित में जो बातें होंगी तो साथ मिलकर अगर सुलझ सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपा का विजन क्या कहता है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि पूरा विपक्ष अगर केंद्रीय स्तर पर देखो तो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए विपक्ष कहीं अभी सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैभव जी ने कहा कि तमाम ऐसे गठबंधन जो सत्ता प्राप्ति के लिए लोग करते हैं, वैभव जी से मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी अभी पिछले दिनों लखनऊ आए थे और एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी पार्टी से गठबंधन किया निषाद पार्टी के साथ, जिस निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद जी का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और एक बड़े चैनल ने उस स्टिंग ऑपरेशन को चलाया। उसमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं योगी से बड़ा गुंडा, मेरे लोग थाना फूंकते हैं, मैं मुझसे बड़ा गुंडा कौन उत्तर प्रदेश के अंदर, चुनाव में तो गुंडा ही हम लोग करेंगे, टिकट बेचेंगे, जो समझौते में टिकट मिलेगा। हम क्या समझे कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के लोलुपता में गठबंधन नहीं किया? ये नहीं माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्ति के लिए एक जाति संगठन से और एक ऐसे व्यक्ति से जो थाना फूकने की बात, योगी से बड़ा गुंडा होने की बात और गुंडाई करने की बात कर रहा हो, टिकट बेचने की बात कर रहा हो, उससे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गठबंधन का ऐलान करते हैं, उसको विधान परिषद का सदस्य बनाते हैं। इतनी शर्मनाक स्थिति उत्तर प्रदेश में, और आदर्श की बात कर रहे हैं? अरे तो हमारे नेता पे टोटी और सावर की चोरी की बात लगा आरोप लगा मेरे वैभव अग्रवाल को। पारू जी, आपके चैनल के माध्यम से वैभव अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहता हूँ, अगर कोई चोरी करता उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया अगर कोई चोरी हुई थी? ये लोग केवल बदजुबानी करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जनता इनको भी समझ गई है। सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या माफिया या डॉन सपा में नहीं है? हम माफिया और डॉन की तो बात नहीं कर रहे हैं, आप गुंडों की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक राजनीतिक संगठन जो बीजेपी से अलायंस कर रहा है, एक हफ्ते पहले उसके स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें, जो शब्दों का प्रयोग उस व्यक्ति ने किया, अगर कोई चरित्र की बात करता, चेहरे की बात करता, तो ऐसे राजनीतिक दल से अलायंस नहीं करता। अगर अपने काम पे भरोसा होता, अपने विकास पे भरोसा होता, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा होता, तो दूसरों का सहारा नहीं लेता। देखिए आप तो बातों को कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, पुरुषार्थ और पता नहीं क्या क्या। चलिए रुके, ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर विकास हुआ होता, किसान संतुष्ट होता, नौजवान संतुष्ट होता, व्यापारी संतुष्ट होता, तो ऐसे दलों से भारतीय जनता पार्टी को अलायंस नहीं करना। कीर्ति जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, बस आपने जो सवाल किए उसका जवाब लेना चाहूंगी वैभव जी से, फिर चर्चा यही खत्म करेंगे। वैभव जी बोलिए।
कांग्रेस पार्टी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा काजोल जी कि कीर्ति भाई एक मिनट मैं कह दूं, कांग्रेस पार्टी के बारे में सिर्फ एक बार मैंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया जिसने नलके चुराए या शावर चुराए, मैंने किसी का नेता का नाम नहीं लिया। अब आप एक हंसने के लिए कह लें, मैंने नाम नहीं लेके बोला, लेकिन हो सकता है यदि अगर FIR हुई हो तो हमें नहीं पता है। FIR नहीं हुई, हैसियत नहीं, FIR कराओ ना भाई, चोरी की FIR कराओ भाई किसी के खिलाफ। केवल गलत आरोप लगाने की आदत छोड़ दीजिए। मैंने नाम नहीं लिया, आप आरोप लगाना छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, अगर किसी के खिलाफ चोरी का आरोप है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए वैभव जी, मेरे पास समय कम है। आपने बोल दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर हमने छोटी पार्टी से अलायंस करा भी है तो आप समझे ना तो वो सपा के बराबर है, राइट, ना उनके पास लीडरशिप है जैसी सपा के पास है, ना उनके पास लीडरशिप है जैसा भाजपा के पास है। जब केंद्र में स्थापित 40-45 सीटों के साथ कांग्रेस के पास केंद्र में नेतृत्व नहीं है, अपने ही कपिल सिब्बल जैसे नेता का घेराव कर दिया, आपका तो शुक्र है कि सपा केवल उत्तर प्रदेश में है, अगर केंद्र में होती तो कैसे मैनेज होता मुझे नहीं पता, बहुत मुश्किल। लेकिन जब कांग्रेस के पास केंद्र में ही लीडरशिप नहीं है, प्रियंका गांधी को यूपी का लॉन्च पैड बनाने के लिए आपको लगता है यूपी को बाहर के लोग स्वागत करेंगे? उत्तर प्रदेश से है आप पांडे जी, है यूपी मेरे से, उत्तर प्रदेश वैभव जी, उत्तर प्रदेश मोदी जी जैसे लोगों का भी स्वागत किया, आप भूल जाते हैं वैभव जी, क्या मोदी जी उत्तर प्रदेश के हैं? कांग्रेस के पास लीडरशिप उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश मोदी जी का भी स्वागत किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत उत्तर प्रदेश नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का दिल तो बहुत बड़ा है। देखिए जहां तक मेरी इस बार के इलेक्शन का ज्ञान है, हो सकता है मेरा व्यू पॉइंट कीर्ति जी और आप ना माने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रियंका गांधी घर की बेटी नहीं है, उत्तर प्रदेश की बेटी नहीं है, और वो इसी कार्ड को बुनाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश जी फिर भी उत्तर प्रदेश के बेटे हैं। चलिए ठीक है, वो तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी की कोशिश और कितनी अच्छी लीडरशिप उभर कर निकल कर उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के लिए केवल एक आदमी की जरूरत नहीं है, पूरे कैबिनेट की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है। ठीक है वो वैभव जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें देखना होगा कि आखिर प्रियंका गांधी कितनी कड़ी मेहनत करती हैं कि 2022 में वो सफल हो पाती हैं नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही है, लेकिन तमाम सवाल सत्ता पक्ष भी उठा रहा है और तमाम सवाल जो दूसरे दल हैं वो भी उठा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पिछले कई दशकों से सत्ता में नहीं आई है और सत्ता का स्वाद क्या होता है वो उसने चक्कर नहीं दिखाया है। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल हो सकती है, जैसा कि अभी वैभव जी ने कहा जो बीजेपी के नेता हैं कि बाहरी लोगों को शायद उत्तर प्रदेश की जनता एक्सेप्ट ना करें, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी से सांसद हैं वो भी तो वहां से उनका संसदीय क्षेत्र है, वो उन्हें भी तो अपनाया गया है, तो क्या प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं अपनाएगी? जब राहुल गांधी को अपनाया गया था, जब सोनिया गांधी को अपनाया गया है, तो आखिर प्रियंका गांधी को क्यों नहीं अपनाया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।